दोस्तों तमाम डियो और टेलकम पाउडर कंपनियां कितने भी दावे करें, वे आपके शरीर पर आने वाले पसीने को नहीं रोक सकती। मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हुई ऊष्मा यानी गर्मी को कम करने के लिए शरीर पसीना छोड़ता है। यह प्रोसेस शरीर में लगातार चलती रहती है, इसलिए थोड़ा पसीना हमें बना रहता है। लेकिन कसरत करते हुए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस तेज हो जाती है और पसीना भी ज्यादा आता है। यही बात मसालेदार खाना खाने के साथ भी लागू होती है। हमारे शरीर में तकरीबन 30 से 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां होती हैं। ये त्वचा के नीचे रहने वाली बारीक घुमावदार नलियां होती हैं, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जरूरी काम करती हैं। यह जानना दिलचस्प है कि शरीर के अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने वाली ग्रंथियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे एपोक्राइन, एक्रेन और सेबेसियस। जी हाँ दोस्तों, वर्कआउट के दौरान जिन ग्रंथियों से पसीना आता है वे एपोक्राइन ग्लैंड्स कही जाती हैं। ये ग्रंथियां हमारे साइड के और हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होती हैं। इन ग्रंथियों से आने वाला पसीना शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने से बनता है। एपोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाले पसीने में थोड़ी मात्रा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी होती है, इसलिए अक्सर बाजुओं के आसपास कपड़ों पर पसीने के दाग बन जाते हैं। इसमें पैदा होने वाली गंध शरीर में रहने वाले हेल्दी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां हैं एक्रेन ग्लैंड। ये हथेलियों, तलवों और माथे पर सबसे ज्यादा होती है। एक्रेन ग्लैंड से निकलने वाला पसीना साफ और बिना महक वाला होता है और तापमान नियंत्रित करने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। ये ग्रंथियां हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो कि हमारे दिमाग का एक पार्ट है, और यह पार्ट भूख, प्यास और तापमान नियंत्रित करने के अलावा लोगों से आपके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। यही कारण है कि गुस्सा, तनाव, चिंता या अचंभा होने की स्थिति में हमारी हथेलियों पर पसीना आने लगता है। चेहरे और सिर यानी स्कैल्प पर पाई जाने वाली स्वेट ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड्स, सब इन ग्रंथियों से आने वाला पसीना कंपैरेटिवली ऑयली होता है, लेकिन इसमें महक नहीं होती। इन ग्रंथियों का काम चेहरे और बालों को पानी से बचाना और चिकनाहट बनाए रखना होता है। मनुष्य में धीरे धीरे सेबेसियस ग्लैंड्स घटती जा रही हैं, क्योंकि आज के समय उनका ज्यादा उपयोग नहीं रह गया है। इसके अलावा शरीर के इन हिस्सों में भी तापमान नियंत्रण का मुख्य काम एक्रेन ग्लैंड्स ही करती हैं। शरीर में कम या ज्यादा पसीना आना हमेशा चिंताजनक होता है। कम पसीना आने की वजह आमतौर पर डिहाइड्रेशन होती है। इसे खूब पानी पीकर और एक्सरसाइज करके सामान्य किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा पसीना आना अपेक्षाकृत चिंताजनक बात हो सकती है। इसे विज्ञान की भाषा में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। कई बार ज्यादा डायबिटीज, इन्फेक्शन, लिम्फेटिक ट्यूमर भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा शराब का ज्यादा सेवन करने से भी आपको पसीना ज्यादा आता है, और यह कंडीशन हाइपरहाइड्रोसिस के नाम से जानी जाती है। इन दोनों ही समस्याओं से निपटने का पहला उपाय जीवन शैली में सुधार करना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें।